जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो सबसे पहला स्टार्टर के रूप में अगर हमारे मुंह पे कोई चीज आती है तो वो टोमेटो सूप है। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी टोमेटो सूप। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तीन लोगों को सूप बनाने के लिए मैंने आधा किलो फ्रेश और लाल टमाटर लिए हैं। एक टमाटर के मैं इस तरह से चार पीसेस कर लूंगी। टमाटर की साइज आप आपके हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि हमें लास्ट में इसको मैश करना है इसलिए मैंने चार पीसेस कर लिए हैं। इस तरह से मैं सारे टमाटर कट कर लूंगी। इस तरह से मैंने सारे टमाटर कट कर लिए हैं। पीसेस मैंने मेरे हिसाब से रखे हुए हैं। सबसे पहले हम टमाटर को उबाल लेंगे। टमाटर को उबालने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। ये कढ़ाई नॉनस्टिक की है, पर आपके पास जो भी कढ़ाई अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। गैस को मैंने ऑन कर दी है। कढ़ाई में मैं डालूंगी एक चम्मच तेल। सूप है, हेल्दी है, इसलिए तेल तो हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 10-12 लहसुन की कलियां, 6-7 काली मिर्च। आप चाहे तो इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हो। आधा चम्मच जीरा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हम नॉनस्टिक के बर्तन यूज करते हैं तो हमें लकड़ी का भी चम्मच यूज करना है, उससे हमारे नॉनस्टिक के बर्तन जल्दी खराब नहीं होते। अब हम डाल देंगे टमाटर। गैस पे मीडियम रखना है और 5 से 6 मिनट तक हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। अच्छे से उबल रहे, पर अभी हमें और भी टमाटर थोड़े सॉफ्ट चाहिए, इसलिए इसको और भी उबालने की जरूरत है। इसे मैं वापस ढक्कन रख दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू, और इसी खुशबू के साथ हमारे टमाटर पक्के रेडी हो गए हैं। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको मैश करेंगे। टमाटर को मैश करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में रख दी है छलनी। अब उबले हुए टमाटर को हम छलनी में डाल देंगे और इस तरह से करेंगे मैश। वैसे तो टोमेटो सूप बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का टोमेटो सूप बनाया जाता है। वो सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। और इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी एंजॉय करें, तो रेसिपी को आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस तरह से टमाटो को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। बहुत से लोग टोमेटो उबालने के लिए कुकर का भी यूज़ करते हैं, पर हम बहुत ही हेल्दी ऐसा टोमेटो सूप बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल ना करते हुए कढ़ाई में इनको उबाला है। इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से उबले हुए टोमेटो को मैश करने के बाद बीज और छिलके अलग हो गए हैं और हमारा टोमेटो सूप बनाने के लिए रेडी है। तो बनाते हैं टोमेटो सूप। सेम कढ़ाई को मैंने रख दिया है गैस। अब हम इस कढ़ाई में मैश किए हुए टमाटर का सूप डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार नमक। सूप में अगर आपको थोड़ा तीखापन पसंद है तो जब हम टोमेटो उबालते हैं तभी आप एक हरी मिर्ची भी उबाल सकते हो। थोड़ा सा गुड़ अब हमें इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह के टोमेटो सूप की कंसिस्टेंसी है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा सूप पसंद है तो मैंने लिया है आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर, बिल्कुल आधा चम्मच ही लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी ऐड करना है। अब मैं इसको डाल दूंगी सूप में और कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद 2 मिनट तक हम इसी तरह से इसको उबाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऐसा सूप और बहुत ही कम सामान हमने यूज किया है।
और इसी के साथ हमारा सूप रेडी हो गया है। 2 मिनट उबालने के बाद हम अपनी गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हमारा सूप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। टोमेटो सूप तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू।